देखना, माँ की बात सुनना, पिता की बात सुनना, ये कौन सिखाया? कौन तो सिखाता नहीं ये सब। आप सुबह सुबह उठो, नहाओ, प्रणाम करो, माता पिता दादा दादी जो भी है सबको प्रणाम करो, ये कौन सिखाया? ये सिखाने के लिए ही यहाँ पर ये जो कैंप है, विशेष करके ये बच्चे लोग इस बचपन से ही सीखते हैं। छोटा सुमेरा मदन मिलता है, अच्छी ड्रेस है बच्चों के पास, मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है और सारी आधुनिक सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन आज बच्चों के पास किस चीज की कमी होती है? धार्मिक संस्कारों की, मॉरल वैल्यूज की। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे को पद्मनाभन महाराज जी ने आदेश दिया कि आप सब लोग मिलकर समर कैंप का आयोजन करो। शरणागत हो जाता है वो इसको आसानी से पार कर लेता है।
बर्डन डाला ना इनके माता पिता ने पर। अंशिका स्तुति इधर आओ। जी दीदी। अंशिका स्तुति ये तो आपका खेलने का समय है, फिर आप माला क्यों कर रहे हो, जरा इन दीदी को बताओ। अरे दीदी, आपने श्रीमद् भागवतम की शिक्षा नहीं सुनी, जिसमें प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों को बता रहे हैं, कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम मर्थदम, कि हमें बचपन से ही भजन करना चाहिए क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, कब समाप्त हो जाए इसका पता नहीं, इसलिए हमें बचपन से ही भजन करना चाहिए। हाँ जी दीदी, यह बच्चे स्कूल के टाइम पर स्कूल जाते हैं, पढ़ने के टाइम पर पढ़ाई करते हैं और खेलने के टाइम पर खेलते हैं, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, परंतु अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ा है। मैं भी एक गृहस्थ हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरा भी एक बेटा है, पर मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, बस अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ा है। जो समय दूसरे लोग टीवी पर सीरियल और फोन में गपशप पर बिताते हैं, हम वही समय भक्ति में बिताते हैं। भक्ति के मार्ग पर बड़े या छोटे का कोई विचार नहीं, प्रहलाद महाराज जी और ध्रुव महाराज जी इसके उदाहरण हैं। जय भजे सही बट, तो इसलिए हमारे लिटिल गॉडियस के बच्चे जो स्वयं भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। गॉडिया मठ का क्या अर्थ है, क्या आप मुझे बताएंगे? हाँ जरूर दीदी। दीदी, ये हिंदू सनातन धर्म मंदिर है और श्री रमन बिहारी हमारे ठाकुर जी का नाम है, और गौड़ी शब्द का अर्थ है गौड़ देश से संबंधित, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है। हमारे पूर्व गुरु श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के अनुसार गौड़ी शब्द का अर्थ है श्रीमती राधिका के अनुयायी है। जो भक्त श्रीमती राधिका के चरणों का आरती लेके भजन करते हैं वह ही गौड़। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे, भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे, जी जन गौरांगा भाजे शे हो अमर प्राण रे, जी जन गौरांगा भाजे से हो अमर प्राण रे। शरीफ है, सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने 6-7 दिन में इतना संस्कार डाला, इतना सिखाया, ये वाकई में मतलब तारीफ़ शामिल है। तो विशेष करके जो है, जो लोग चाहते हैं कि यही संस्कार बरकरार रहे और चलता रहे, तो संडे संडे भी आप लोग प्रयास करें कि बच्चों को भेजे। और दूसरी बात, ये केवल 7 दिन का नहीं है, ये जीवन भर चल सकता है, संडे संडे भेजते रहो, फिर देखो ज्यादा ज्यादा फिर और ज्यादा सीखते रहेंगे, भूलेंगे भी, पहली बात। और दूसरी बात, मैं सारी माता पिताओं से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग बच्चों को भेजा है आप लोगों को बहुत बहुत दो बच्चे हैं म्यांश और काव्या, मैं यहाँ दूध लेने आता था, मैंने देखा यहाँ पे लिखे गोड़िया का बोर्ड लगा है, पूछा, उन्होंने बताया समर कैंप है 1 हफ्ते का, मैंने दोनों को ज्वाइन करवाया, दोनों में क्या फ़र्क आया 7 दिन के बाद, मैं कहता हूँ सी चेंज जिसको बोलते हैं, बहुत बहुत फ़र्क आया उसमें, जो मॉरल वैल्यूज़ इन्होंने यहाँ पे सिखाई, कभी जब से वो पैदा हुए हैं हमारे चरण को स्पर्श नहीं किया, उन्होंने डेली सुबह उठ के मम्मी के पापा के दोनों को पैरों को छूना चालू किया, किसी को भी ग्रीट करते हैं पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट बोलते होते थे, अब वो हरे कृष्णा कह के ग्रीट करते हैं, यहाँ पे जो चैंटिंग सिखाई है श्लोकों का जाप करते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जो कृष्ण महामंत्र है, हर कृष्ण के श्लोक हैं,
सुबह सुबह हरे कृष्णा करना, तुलसी प्रणाम, मंत्र, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना और बच्चों में धार्मिक जो परिवेश, तो बच्चों में बहुत ज्यादा अंतर आया है। फोन एक आग में बाहर बैठी हूँ, मैंने कहा कहाँ गई बैठी पता नहीं, मैंने कहा शायद फोन लेके बैठी है कोने में, बट नहीं फोन लेके नहीं, वो माला जप रही है। लिटरली इतना अच्छा लगा, मैं तो कहती हूँ धन्यवाद शब्द भी बहुत छोटा शब्द है। ये कभी काल में देखो सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज मिल जाएगी, किंतु साधु का संग नहीं मिलेगा, भक्तों का संग नहीं मिलेगा। वही सुयोग श्री गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर भव्य मंदिर बना के, मठ बना के यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यदि जनकपुरी में चाहे वो ए ब्लॉक है, बी है, सी है, डी है, कहीं से भी है, या पास में जो विकासपुरी और गांव वाले भी है, जो पसंगीपुर आदि भी है, यदि आपको इतने नजदीक में यदि ये सुयोग आप लोगों को मिल रहा है, इसका आप लोग लाभ ले, अपना जीवन को सफल बनाए। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं है, अपना दिल हो, अपनी सच्चाई हो, अपना विश्वास हो, यही लगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगता। इसलिए मेरा निवेदन है आप सब लोग प्रयास करें, और विशेष करके इस पूरे कार्यक्रम में जो है जितने लोगों ने पूरा मेहनत किया, जो टीम है सबको बहुत बधाई कि आप लोगों ने 6-7 दिन में इतना संस्कार डाला, इतना सिखाया, ये वाकई में मतलब तारीफें काबिल है। Rama, 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 Hare.